And the next question is, Hotel King Private Limited, provider of restaurant services in New Delhi. They also serve beer, whiskey, and so on. Turnover in the preceding financial year is 67 lakhs. Now you have to answer me that, is the Hotel King Private Limited eligible for the composition scheme in this current year? No. No. Why no? See, restaurant services are allowable, are eligible to take a composition scheme. So why your answer is no? Ma'am, beer and whiskey. Very good, very good. They cannot deal in alcoholic liquor, which is outside the purview of GST. Okay, they cannot deal in those goods which are outside the purview of GST. And if they are dealing, they are not eligible for the composition scheme. And this is what you have to write as a answer. Write down. I'll tell you. Very simple. Hotel King Private Limited is not eligible for composition scheme because is not eligible. It comes only for 2 marks. Huh? Such questions can be asked for 2 marks. Or like with reason, if it is there with reason, you can answer it. Maximum 3 marks, not more than that. Okay. So Hotel King Private Limited is not eligible for composition scheme because they are supplying the product which is not leviable to GST. That is alcoholic liquor for human consumption. लिकर में ही आ गए ना ये सारे बियर विस्की एंड ऑल वाइन एंड ऑल जो भी होते हैं वो सब इसी में ही आ गए एक ही कैटेगरी में ओके बिकॉज दे आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी और आप ऐसे भी लिख सकते हो विच इज नॉट लेवीड टू जीएसटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर ए शाहीन अपना स्क्रीन पे एनोटेशन बंद करो बेटा ध्यान दो स्क्रीन पे एनोटेशन हो रही है मिस्टर ए ऑफ चेन्नई इज अ रिटेलर डीलिंग विद सेल फोन्स मिस्टर ए ऑफ चेन्नई इज अ रिटेलर डीलिंग विद हिज सेल फोन्स ही सप्लाइड गुड्स टू पर्सन लोकेटेड इन चेन्नई एंड पॉन्डिचेरी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 45 लाख Mr. A wants to opt for composition scheme in the current financial year. Advise whether he can opt for or not. Yes. चलो मैं आपको इतना बता देती हूँ हिंट दे रही हूँ चेन्नई का चेन्नई में ही सप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं इंट्रास्टेट और अगर चेन्नई का पॉन्डिचेरी में हो रहा है तो उसे कहते हैं इंटरस्टेट पॉन्डिचेरी इज आउटसाइड ऑफ तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु के स्टेट से बाहर आता ही है पॉन्डिचेरी ठीक है तो अब आप मुझे बताइए ये जो पर्सन है मिस्टर ए ही इज सप्लाइंग गुड्स टू पर्सन्स लोकेटेड इन चेन्नई एंड आल्सो पॉन्डिचेरी दैट मींस ही हैज कस्टमर्स इन पॉन्डिचेरी आल्सो यस टेल मी यस गेट मी द आंसर यश आप बोल रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं ओके और कोई है क्यों ले सकते हैं यश रीजन के साथ बताइए मुझे अगर ले सकते हैं तो क्यों अगर नहीं ले सकते हैं तो क्यों क्या देखकर बोल रहे हो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं वो रीजन मुझे चाहिए यश बताओ रीजन क्या है ओके जो 28th सम था ना ओके अंडर द लिमिट है ठीक है ओके ठीक है एक मिनट रुको हाँ 28th सम था ना आपने देखो उधर अलाउ क्यों नहीं किया कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों नहीं दिया क्योंकि वो विस्की और बियर भी सर्व कर रहा है ना अल्कोहल सर्व कर अल्कोहलिक प्रोडक्ट सर्व कर रहा है वो ठीक है तो ना आपको ये भी लिखना पड़ेगा देखो उसका टर्न ओवर इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है 67 लाख उसका टर्न ओवर अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट है ना
67 लैक्स है ना, 28th सम को देखिए, सुन रहे हैं सारे? यस मैम। हाँ तो 67 लैक्स के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखना पड़ेगा, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज दे आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट विच इज नॉट लेवीड टू GST, एग्जाम्पल विस्की एंड बियर। देन यू कैन राइट इवन इवन इफ देयर व्हाट यू से थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट अबव 1.5 crores, मतलब उनको एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, जबकि उनका क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस भी नहीं हो रहा। बराबर है। हाँ तो ये भी आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने 67 लाख रुपीस दिया है, अगर उन्होंने ये पॉइंट ही नहीं दी होती ना तो नहीं लिखना पड़ता। आया समझ में? तो आपको है ना ये लिखना पड़ेगा, आगे लिखिए मैं आपको बताती हूँ। इवन इवन इफ देयर थ्रेशोल्ड लिमिट, मैम टर्नओवर लिखेंगे ना? हाँ सॉरी, इवन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर, सॉरी इवन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट क्रॉस 1.5 crores, 1.5 crores, देखो उनका नहीं है, क्रॉस नहीं हो रहा है तो भी उनको हम एलिजिबल, एलिजिबिलिटी उनको नहीं है। ओके समझ आया सबको ये वाला पॉइंट? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। यस मैम, कैन यू जस्ट टेल मी अगेन द नेम ऑफ दैट लेक्चर? हाँ बेटा, यस्टरडे यू टोल्ड मी, आई जस्ट फॉरगेट इट। हाँ जी बेटा, मैंने आपका पढ़ा मैसेज, मैं इसीलिए पॉज हो गई थी, आपका मैसेज पढ़ रही थी मैं ना आपको, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? मैंने ना आपको फॉरेन एक्सचेंज का मांग रहे थे, क्या कौन सा मांग रहे थे? कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई का, वो मेरे चैनल पे आप, यस मैम कॉम्पोजिट एंड मिक्स। हाँ जी मेरे चैनल पे ना प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लेवी एंड कलेक्शन करके उसका चैप्टर का नाम है, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, all videos are visible there, even if you want I will give it to you, don't worry, remind me at the end of the lecture 5 minutes before, okay? Okay ma'am, thank you. Okay. Yeah. Okay. Anyways, let's discuss about the next question. Mr. A Chennai is a retail, Mr. A of Chennai is a retailer dealing with cell phones and he supplies goods to the customers located in Chennai and Pondicherry. Batao, aggregate turnover is 45 lakhs. So whether he can opt composition scheme, advise on that? Yes. Yes, okay. Okay. और कोई है जिसको कोई और आंसर देना है या फिर कुछ और कमेंट करना है? क्यों आपको सिर्फ 45 लाख दिख रहा है? हाँ आपको सिर्फ 45 लाख दिख रहा है? किसने बोला यस? यश ने पहले मुझे बताया था, और अब किसने बोला यस? अभी यस किसने बोला? शुभम ने? यस नहीं आएगा आंसर, क्या आएगा? नो no. क्यों? क्योंकि पौंडीचेरी में सप्लाई कर रहा है ना, और पौंडीचेरी किधर आता है? आउटसाइड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहां मिस्टर ए है चेन्नई के। हिमांशु रेज्ड हिज हैंड, हिमांशु यू कैन आस्क योर डाउट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखो मिस्टर चेन्नई, मिस्टर ए चेन्नई के हैं, ठीक है, और वो गुड सप्लाई कर रहे हैं पौंडीचेरी के। मैंने आपको हिंट भी दिया कि चेन्नई, चेन्नई का चेन्नई में सप्लाई किया इंट्रा स्टेट, और अगर आपने पौंडीचेरी में सप्लाई किया तो इंटर स्टेट, मैंने आपको हिंट भी दिया, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख है, 1.5 करोड़ से नीचे, ठीक है। लेकिन दो, मैंने आपको उस दिन भी रिविजन भी करवाया था कल शायद, कि कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम को, इवन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, you cannot go for composition scheme if you supply in supply goods to another state. aaya samajh mein?
तो लिखो रीजन, अभी कोई डाउट है तो पूछो। ये मैंने आपको पहले सारी चीजें कवर करवाई हैं, ऐसे बोलना नहीं है आपने। ओके चलो लिखो। नो मिस्टर ए ऑफ चेन्नई कैनॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नो मिस्टर ए ऑफ चेन्नई कैनॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम because he is supplying goods to customers residing in Pondicherry, ब्रैकेट में लिख दो इंटरस्टेट सप्लाई, ब्रैकेट में लिख दो इंटरस्टेट सप्लाई। फुल स्टॉप दे दो और आगे लिखो दो हिज aggregate turnover is less than 1.5 crores, though his aggregate turnover is less than 1.5 crores, he cannot enjoy the benefit of composition scheme. He cannot enjoy the benefit of composition scheme because his supply is interstate supply. ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आप कवर करेंगे। 45 लाख दिया हुआ है ना, अगर नहीं दिया रहता तो अपन नहीं भी लिखते तो चलता था। ओके मैम प्लीज रिपीट। ओके आई विल रिपीट नाउ बिकॉज आई मेड माय ओन वर्ड्स, तो मुझे नहीं पता मैं सेम बोलूंगी कि नहीं। No, Mr. A of Chennai cannot opt for composition scheme because he supplied goods. This is what I said, I think. He supplied goods to customers residing in Pondicherry. Bracket mein likhna hai aapko interstate supply. Full stop. Then what did I say? Yes, though his aggregate turnover is less than 1.5 crores, comma, he cannot enjoy the benefit of composition scheme. He cannot enjoy the benefit of composition scheme because his supply is interstate supply. Because his supply is interstate supply. Done? Did you understand yes, this ma'am. Much? Okay. So let us shift to the next point, which is Peter England. All right. Now see, Peter England is a trader who sells his ready-made clothes online on Amazon and Eco. Electronic commerce operator, Amazon. I hope you understand. It is a platform of electronic commerce operator. He received an order of 12 lakhs in the previous year. Peter England also supplied from their own outlets. Also supplied from their own outlets means they supply from their own retail outlets as well as they supply goods to customers through Amazon.
which is known as ECO, that is electronic commerce operator. The aggregate turnover of the company in the previous year was rupees 21 lakhs, which is of course below the threshold limit of 1.5 crores. Is Peter England eligible for composition scheme? Yes. Will you all tell me? What is the answer? Yes, no. क्या आएगा बोलो? थ्रेशोल्ड लिमिट को देखिए कम है, और अब बाकी का पूरा पढ़िए, मुझे बताइए कॉम्पोजिशन स्कीम पीटर इंग्लैंड की कंपनी ले सकती है कि नहीं ले सकती है? ओह माय गॉड, नोबडी इज आंसरिंग. इट्स ओके इफ यू आंसर एंड इट इज रॉन्ग, इट्स ओके. नो नो, मैम लिखा टेक्स्ट. अच्छा हाँ, अभी देखा मैंने. यस, वेरी गुड. रिंकू ने रीजन के साथ लिखा है. वेरी गुड. नो, बिकॉज ही सप्लाइड गुड्स थ्रू इको. वेरी गुड, लिखो. वेरी नाइस. दो हिज टर्नओवर इज लेस देन 21 लाख्स, सॉरी, लेस देन 1.5 crores, बट स्टिल ही इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज what to say, because he is supplying goods through e-commerce operator. Okay, very good, very nice. Chalo, likho. Kaise likhenge, ruko, main thoda aur short way mein batati hu. Likhiye, though the turnover of trader of Peter England, is less than 1.5 crores, comma, he is not eligible to opt for composition scheme. He is not eligible to opt for composition scheme because he is supplying through Amazon, ब्रैकेट में लिखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बिफोर यू गेट टू आंसर मी. Hot Breads Private Limited is supplier of bakery products registered in current financial year 2017-18. ये 17-18 की बात कर रहे हैं वैसे. From 1st October 2017. In the month of October 2017, the taxable supplies rupees 88 lakhs. Answer the following. Is company eligible for the composition scheme? And if so, company wants to pay tax 1% being a trader. अभी उन्होंने बताया ट्रेडर का 1% है, याद है ना सबको? मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स अगर गुड्स में डीलिंग करते हैं तो 1% होता है. अगर सर्विसेज में, अगर कोई सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो 5% होता है.
और अगर और कोई अदर सर्विसेज होती हैं तो 6% होता है. कॉम्पोजिशन स्कीम के 3 कैटेगरीज मैंने सिखाए हैं आपको टैक्सेस टैक्स रेट के. आई होप यू रिमेम्बर. ठीक है, तो अभी ये बेकी बेकरी इनका कंपनी कौन सा है? हॉट ब्रेड्स प्राइवेट कंपनी इज अ सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स. सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स रिमेम्बर. ओके, ही इज अ सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है इज कंपनी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. और अगर हाँ तो ही विल पे टैक्स 1% बीइंग अ ट्रेडर. However, the Deputy Commissioner of the Central contended that the SSC is liable to pay tax 5% under food and restaurant services category advice. Abhi Deputy Commissioner ne kaha central tax central jo tax vasool karte hain aapse wahan ke jo Deputy Commissioner hai unhone kaha nahi inko 1% tax nahi bharni chahiye, inko 5% bharni chahiye restaurant services wali tax. तो क्या उनका ये कंसेंट राइट है? आप बताइए. ऐसा लिखा हुआ है तो 5% भरना चाहिए कि 1% भरना चाहिए? और अगर पहले तो ये देखना है ना कि कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है बंदा कि नहीं ले सकता है. चलो तो पहला आंसर करिए, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते है? Yes, anyone? सिर्फ मुझे इतना बताइए कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. अगर वो आंसर करने को आ गया तो सेकेंड ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ना. अगर यस yes होगा तो सेकेंड पे जाना है. अगर नो no होगा तो सेकेंड का तो आंसर ही नहीं आया. टैक्स क्यों भरेगा कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकता तो कॉम्पोजिशन की टैक्स क्यों भरेगा? तो नॉर्मल हो जाएगा ना वो तो. बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने. एलिजिबल है कि नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? एटलीस्ट नहीं समझ में आ रहे तो बोलो नहीं समझ आ रहा है. मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ तो रिप्लाई दो. नहीं आ रहा? ठीक है, ओके. क्यों, थोड़ा तो दिमाग लगाने का ना. देखो कितना इजी है. सबसे पहले तो देखो ये ट्रेडर है. ठीक है, ट्रेडर को कॉम्पोजिशन नो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. अच्छा अच्छा, यश ने बोला नो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. ओके, ही मान चुके रहे ही कैन अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज द टर्नओवर अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट आल्सो ही पेज 1% और नॉट 5%. हिमांशु वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है. बहुत अच्छा और कंप्लीट आंसर कर दिया आपने. पर एक कमी है आपके आंसर में जिसकी वजह से आपकी मार्क्स जा सकती हैं. आपने 1% क्यों चूज किया और 5% क्यों नहीं चूज किया उसका आपने रीजन नहीं दिया है. जैसे आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया तो क्यों ले लिया? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर में आता है. ओके, और उसके बाद आपने क्यों, हिमांशु वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ट्रेडर है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. वहां पे नीचे लिखा हुआ है बीइंग अ ट्रेडर. आप बी वाला पॉइंट पढ़िए हिमांशु. इफ सो कंपनी वांट्स टू पे टैक्स 1% बीइंग ट्रेडर. ट्रेडर वो ट्रेडर है, वो 1% भर रहा है. लेकिन अगर नहीं, वो पूछ रहा है ना आपसे कि डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा आप तो रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं 5% भरना चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं तो आप तो रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको तो 5% भरना चाहिए. तो आप मुझे बताओ ये रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप मुझे वो बताइए. ये तो लिखा ही हुआ है ना कि वो ट्रेडर है. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि वो ट्रेडर के हिसाब से 1% बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट के हिसाब से 5% नहीं भर रहा है तो क्यों नहीं भर रहा है, उसका रीजन क्या है? मैं बताती हूँ आप लोगों को, सुनो. सबसे पहले तो इसका आंसर है यस, ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज. मुझे नहीं पता आप लोगों में से कुछ लोगों ने नो लिखा था. ठीक है, मुझे नहीं पता क्या सोच के आपने नो बोला, बट यस ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज हिज थ्रेशोल्ड हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज 88 लाख रुपीज विच इज विद इन द लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़. दूसरी चीज अभी बड़े ध्यान से सुनना, हाँ मैं बता रही हूँ आपको.
सुनो, उसने कहा है ये सप्लाई कर रहा है बेकरी प्रोडक्ट, क्या लोग आपके होटल, ऐसा लिखा है क्या होटल है और होटल में आकर आप उनको बेकरी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, केक्स बनाकर दे रहे हैं, ब्रेड्स बनाकर दे रहे हैं, हॉट ब्रेड्स, ऐसा लिखा है क्या कहीं पे कि आप उनको सर्व कर रहे हैं और वहां पे बैठकर लोग खा रहे हैं, ऐसी कोई सर्विस है क्या होटल वाली? नहीं, उनको आप बनाकर बेच दे रहे हैं, सिंपली लेकर जाओ घर पे, आपका दुकान है, शॉप है, होता है ना शॉप्स होते हैं, बेकरी शॉप्स होते हैं, तो हम बेकरी शॉप पे बैठकर खाते नहीं है, अंटिल एंड अनलेस वहां पे ऐसी जगह बनी हुई हो और आपको खाने के लिए अलाउ किया हो, नहीं, वो सिर्फ ट्रेडर है, यानी कि वो सिर्फ सप्लाई कर रहा है आपको, आपको रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा, लिटरली आप वहां पर बैठकर चेयर टेबल कुर्सी वैसा कुछ लगा हुआ नहीं है कि आप वहां पर बैठकर खा रहे हैं, रेस्टोरेंट जैसी सर्विस आपको नहीं मिल रही कि कोई बनाकर सर्व कर रहा है और आप वहां बैठकर खा रहे हैं एंड देन पे करके निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट वाली सर्विस नहीं दे रहे हैं आप, इसीलिए ये रीजन है, ये रीजन देना पड़ेगा उनको कि ये रीजन की वजह से डेप्यूटी कमिश्नर ने जो कंसेंट डाला था वो गलत है, मतलब क्योंकि वो सिर्फ सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट को, बना हुआ प्रोडक्ट, अभी वो बेकरी खाने का प्रोडक्ट है, इसका मतलब रेस्टोरेंट सर्विस थोड़ी हो गई, समझ आया? ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? हिमांशु कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड डियर, लेकिन आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिया है, सिर्फ आप थोड़ा और उसको कंप्लीट कर देते थे तो समझो फुल ऑन फुल ऐसा होता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी लिखो इसका नोट लिखो, मैं बताती हूँ, ए एंड बी में डिवाइड करके लिखेंगे, अगर किसी को डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखें या फिर हैंड रेस करें, मैं क्लियर कर दूंगी, अगर नहीं है, मैं ऐसे ही समझ रही हूँ नहीं है तो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम लिखिए ए, ए और बी में डिवाइड कर दीजिए, राइट डाउन, हॉट ब्रेड्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड is eligible for the compensation scheme. Hot Breads Private, थोड़ा fast लिखेंगे क्योंकि आज मुझे ये practical questions पूरे करने हैं. Hot Breads Private Limited is eligible for compensation scheme because their aggregate turnover is rupees 88 lakhs which is within the threshold limit of 1.5 crores, which is within the threshold limit of 1.5 crores, okay, full stop. Now next point B, write down, he will pay tax at the rate 1% on 88 lakhs rupees being a trader, that is IE, हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं that is को IE, कितना होता है 88 lakhs का 1% कितना होता है, बता दो आंसर, बता दो, कैलकुलेट करो टैक्स कितना भरना पड़ेगा उसको, 88 lakhs, very good, 88,000, that is 88,000. आपने कैसे लिखा है, आई विल हैव टू रिपीट इट सो दैट टू गेट एन आइडिया फॉर व्हाट वी हैव टू रीड राइट इन द नेक्स्ट फ्यू लाइंस, कैसे लिखा है आपने, ही विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट 1% ऑन रुपीज 88 lakhs बीइंग अ ट्रेडर, दैट इज 88,000 रुपीज एज He is a supplier of bakery product and not involved in restaurant, typical restaurant services.
देखो मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, आपको चाहिए तो आप इनको चेंज करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट यू शुड नॉट चेंज द मीनिंग. ओके, क्या बताया मैंने? एज ही सप्लाइज बेकरी प्रोडक्ट, एज ही सप्लाइज बेकरी प्रोडक्ट एंड not involved in typical restaurant services and not involved in typical restaurant services, therefore you can say the decision of deputy commissioner. Yahan pe kaise likha hai inhone? Therefore, department's contention is not correct. ऐसा simply उन्होंने दो words में बता दिया. मैं आपको बता दूँ, decision of deputy commissioner is not correct. तो मतलब वो 1% के हिसाब से टैक्स भरेगा. ओके, और हमने टैक्स का अमाउंट भी बता दिया, 88,000. मतलब आपने ना कोई चांस नहीं छोड़ना, आपकी मार्क्स कटो, कोई चांस नहीं छोड़ना. ठीक है, जो पूछा है उसको आंसर करना है. देखो समझने वाली बात है ना, 88 लाख का अमाउंट भी दे रखा है, 1% भी दे रखा है, तो टैक्स का आंसर भी निकाल दो, क्या पता उस पे भी मार्क्स हो 88,000 पे. ठीक है, तो आपने जो पूछा है उसको आंसर करना है. ठीक है, मतलब जो डिटेल दी हुई है उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. म्यूट एवरीबॉडी, समबडी इज अनम्यूटेड. सुप्रिया म्यूट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शैल वी? Shall we move to the next one? Okay. Mr. Sitaram is running a consulting firm. See, it's a long question, but it is very simple. Mr. Sitaram is running a consulting firm. Consulting firm. That means he is giving guidance to the to people, maybe to another companies, how to run business. Maybe how to invest, where to invest, consultation. Okay, and a ready. This is known as service. Okay, this is involved in providing service, and also a ready-made garment showroom. Now this is in product goods, registered in same pan. Okay, registered in same pan. Okay, turnover of the showroom is 60 lakhs, and that of consulting firm is 12 lakhs in the preceding financial year. You are required to answer the following. Is Mr. Sitaram eligible for composition scheme? Second, whether it is possible for Mr. Sitaram to opt for composition scheme only for showroom? Third, rework if Mr. Sitaram is running a restaurant as well as ready-made garment showroom as to whether he is eligible for the composition scheme. And the last, if turnover of the garment showroom is 1.75 lakhs,